रियान, बाबा मेरी तरफ देखें बाबा, देखें मेरी तरफ। ये ले। ये क्या कर रहे हो? गोली मार दे मुझे, मार दे मुझे। जहरा को, गुल को, रियान को, सबको मार दें। इस अजाब से जान छूटे आपकी। कोई अपने दुश्मन पर भी इतना जुल्म नहीं करता, तो फिर मार दे हमें। नसू साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? रुको, तुम लोगों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, सब कुछ रुकवा दूंगा और इस दुश्मनी को भी खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? रियान, रियान, सिर्फ रियान चाहता हूं मैं, सिर्फ रियान चाहता हूं मैं। बदले में सब कुछ माफ कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मीरान? कातिल बनाना चाहते हो मुझे पूरे खानदान के सामने? भाई एक मिनट रुके जरा, उसे बात तो पूरी करने दे। क्या बात सुनो इसकी, मेरी बेटी को खरीदना चाहता है। मैं इसे देखता हूँ। तुम चुप रहो। इतनी तकलीफें उसको पहले ही दे चुके हो तुम। हाँ, अब तुम उस मासूम को खरीदने भी आ गए। मैं किसी को खरीद नहीं रहा, बस यही बाकी रह गया था ना। रियान, तुम बात नहीं आओगे अपनी हरकतों से? तुम होते कौन हो ये बात करने वाले? ऐसे बात कर रहे हो जैसे माल खरीदने आए हो। वो मेरी बेटी है। पीछे हट जाओ। तुम्हारा मतलब है कि तुम सब कुछ, मतलब सब कुछ रुकवा दोगे? सारा कर्जा, सारी दुश्मनी और बदले में रियान चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। दादा, नहीं। बाबा, बाबा, इतना कुछ हो जाने के बाद ये कदम हरगिज़ मत उठाइएगा। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम असलान बे हो, लेकिन तुम्हारी दादी ने हमारे बारे में तुम्हें गलत बताया। शादोलो वाले कभी झुकते नहीं, चाहे कितनी ही मालो दौलत उन्हें पेश की जाए, और ना ही कभी तुम जैसे घटिया इंसान की पेशकारी कबूल करेंगे। मेरे पूरे खानदान के अंदर कोई शख्स बराए फरोख्त नहीं है।
दूसरों को खरीदने की बात वही करता है जो खुद को बेचने के लिए हर घड़ी हर वक्त तैयार हो। समझ गए ना? समझे कि नहीं? अपने कर्ज को चुकाना और रयान की हिफाजत करना, ये सब हमारे काम है मीरान असलान बे। रयान यही पे रहेगी और आजाद से शादी करेगी। वो इस घर की बेटी थी और अब बहू बनेगी। सुन लिया तुमने? असलान बे वालों के लिए मेरे पास कोई बेटी नहीं है। ना कर्ज माफ करवाएंगे ना इज्जत बेचेंगे। समझ गए हो? अब दफा हो जाओ। आज के बाद अगर तुम यहां आए तो जिंदा नहीं जाओगे। दादाजान। दादा? बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा बाबा ऐसा नहीं करें आप। तुम्हारी वजह से। छोड़ो। मैंने ये सब किया है। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। तुम्हारी वजह से। छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मीरान छोड़ो। कुछ कहो रेहान। मीरान छोड़ो। मीरान प्लीज। और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूँ। मीरान असलान भी मेरे शोहर का नाम है। छोड़ो। रेहान दादा की बात सुन ली ना। हमारे इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है मीरान जिसे तुम खरीद सको। आजाद से ही शादी करूंगी। पहले जैसे इस घर की बेटी थी अब इस घर की बहू बनूंगी। ऐसा मत करो रेहान। तुमने जो दर्द दिए थे पहले मुझे, क्या वो कम थे जो आज मुझे खरीदने के लिए आ गए मीरान? कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। चले जाओ यहां से। अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं। तुम यहां पर क्या कर रही हो? हाँ चलो चलो यहां से। मीरान छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा छोड़ो। तुम इधर करने क्या आई हो? तुम्हें लेने आई हूँ। ऑफिस में जो कुछ हुआ मुझे पता लग गया है। मैंने सोचा कोई और। तुम्हारा मसला क्या है बताओ गोनल। कितनी दफा बताना होगा कि दूर रहो। समझ नहीं आता? जिस जगह मैं जाऊं उस जगह मेरे पीछे मत आया करो। समझ गई गोनल? मुझे जहां होना चाहिए था मैं वहीं हूं, अपने शोहर के पास। फौरन गाड़ी में बैठो। बैठो।